हेलो गाइस, तो ये होने वाली मेरी सेकेंड स्मार्टफोन अनबॉक्सिंग जो कि मैंने फर्स्ट किया था यहाँ पे रेडमी नोट 8 की अनबॉक्सिंग। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले यहाँ पे रेडमी की ही तरफ से आने वाला रेडमी 8A। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बॉक्स कंटेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये सिम इजेक्टर टूल, देन उसी के अंदर यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंटेशन रखा हुआ नजर आएगा। देन उसके नीचे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद ये चार्जिंग एडाप्टर एंड एज वेल एस यहाँ पे चार्जिंग के लिए टाइप सी केबल, जी हाँ ये टाइप सी को सपोर्ट करते हैं, विच इज क्वाइट अमेजिंग। तो बस यही सब यहाँ पे बॉक्स कंटेंट की। अब मैं आगे बढ़ते हैं स्मार्टफोन की ओर। मैंने सब कुछ रैप वैप हटा दिया और आप देखो देख सकते हो कि स्मार्टफोन हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है जो कि क्वाइट अमेजिंग है। रेड कलर में ये जो बैक है ये प्लास्टिक बैक है एंड फ्रंट की तरफ जो आपको यहाँ पे ड्यू ड्रॉप नोज के साथ देखने को मिल जाता है और ये एक HD+ स्क्रीन है। सो आप बात करते हो फिजिकल ओवरव्यू, तो यहाँ पे आपको टॉप में आयर ब्लस्टर बटन देखने को मिल जाएगा, विच इज क्वाइट अमेजिंग। एंड राइट साइड की ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन रॉकर देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज पावर बटन भी देखने को मिल जाएगा। वेरियस अगर हम बॉटम की ओर जाए तो यहाँ पे आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा, विच इज माइक्रोफोन, एज वेल एज टाइप सी एडाप्टर एंड एज वेल एज आपको यहाँ पे हेडफोन जैक एंड एज वेल एज एक छोटा सा माइक देखने को मिल जाएगा। वेरियस लेफ्ट साइड की ओर देखोगे तो यहाँ पे सिम ट्रे दिया गया है और सिम की बात करें तो आपको यहाँ पे एट ए टाइम 2 सिम एंड एक माइक्रो SD कार्ड आप एक ही साथ लगा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का फिजिकल ओवरव्यू है। वैसे अगर डिजाइन की ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ काफी जबरदस्त डिजाइन देखने को मिल जाता है। हालांकि ये प्लास्टिक डिजाइन है लेकिन काफी अमेजिंग है विथ ए रेड कलर और आप लोग ब्रांडिंग देख सकते हो, यहाँ पे डिजाइन बाय Xiaomi बोल के लिखा हुआ है एंड रेडमी का ब्रांडिंग है। वेरियस अगर फ्रंट की और देखे तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा एक ड्यू ड्रॉप नॉच दिया गया है, तो डिजाइन भी काफी अमेजिंग है इस फोन की। तो इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको 6.22 इंच का एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वेरियस 7000 के प्राइस रेंज में इट इज एक्सेप्टेबल कि आपको एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। वेरियस अब कैमरास की अगर बात करें तो आपको यहाँ पे पीछे की तरफ एक सिंगल रेयर कैमरा देखने को मिल जाता है 12 MP का एंड एज वेल एज आपको यहाँ पे फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। वेरियस फ्रंट सेल्फी की बात करें तो 8 MP का सेल्फी देखने को मिल जाता है विद ड्यू ड्रॉप नॉच। तो कैमराज भी ठीक ही था कि इमेज प्रोसेसिंग की बात करें तो ठीक ही था कि इमेज प्रोसेसिंग उतनी भी खराब नहीं है, ठीक ही है, अच्छे इमेजेस डे लाइट में अच्छे इमेजेस कैप्चर कर लेता है ये फोन। देन अब बात करते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में जो कि क्वाइट अमेजिंग है। अगर इस फोन की बैटरी की देखोगे तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी देखने को दिया गया है जो कि क्वाइट अमेजिंग है। मतलब इस प्राइस पॉइंट में 5000 mAh की बैटरी एज वेल एज आपको यहाँ पे टाइप सी एंड एज वेल एज कहा गया है कि 18W का फास्ट चार्जर है। करते इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो आई वुड से डेट अंडर 7000 में यस गुड, अच्छा प्रोसेसर है, उतना भी खराब नहीं है, तो डिसेंट प्रोसेसर है। तो खराब क्या मतलब इससे बेहतर तो और है ही नहीं, मतलब अंडर 7000 में, तो आई वुड से द प्रोसेसर इज गुड। देन अब बात करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर एंड OS की बात करें तो इसमें एंड्रॉइड 9 पाई हमें देखने को मिल जाता है एंड OS की बात करें तो यहाँ पे आता है MIUI 11 विद कस्टमाइजेशन। गाइस कुछ और सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है जो आपको एक स्मार्टफोन में देखने को मिलना चाहिए, लेकिन दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसर्स यहाँ पे अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यहाँ पे इस फोन में डार्क मोड इनेबल देखने को मिल जाएगा, विच इज क्वाइट अमेजिंग। एंड दूसरी सेंसर की बात करें तो इसमें यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स वाईफाई कॉलिंग का भी सपोर्ट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आपके पास ऑपरेटर यहाँ पे जियो या फिर एयरटेल होगा तो आपको यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इस फोन में फिलहाल मैंने एयरटेल सिम लगाया है तो यहाँ पे मुझे एयरटेल की तरफ से वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, विच इज क्वाइट अमेजिंग। सो आई होप आप लोगों को ये अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना एंड एज वेल एज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।